दोस्तों कई बार फोटो एडिटिंग के टाइम या तो यूट्यूब का थंबनेल बनाने के टाइम हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन पर फ़ोटो को घिसते रगड़ते रहते हैं कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, ये यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं। बट आज इस वीडियो में मैं सबसे आसान तरीके से आप लोग को सिखाऊँगा कि एक फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों फोटो का बैकग्राउंड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद ये जो वेबसाइट देख रहे हो इसको खोल लेना है, remove.bg। इसको आप लोग यहाँ ऐसे लिखिए remove.bg, लिख के जब सर्च करेंगे ऐसे आपके एक वेबसाइट नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो अपलोड फ़ोटोज़, तो अपलोड फ़ोटोज़ पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैमरा ब्राउज़र, और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो फ़ोटो भी आएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो का फ़ोटो ले लीजिए, मैंने ये फ़ोटो ले रहा हूँ और डाउन कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपलोड प्रिपेयरिंग अपलोड होगा और ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक मिनट के अंदर ही आपके पास आपका जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था उसका बैकग्राउंड रिमूव होकर आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही मिनट के अंदर आप लोग के सामने मेरा जो ओरिजिनल फ़ोटो था उसका बैकग्राउंड कितना आसानी से निकल कर आ गया है। इसके लिए आपको कोई भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन को खोल के कैसे क्या करना है। स्लिप ये वेबसाइट खोलो, फ़ोटो अपलोड कर दो, ये वेबसाइट आपको कुछ ही मिनट के अंदर ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको यह इसको डाउनलोड कर लेना है, या तो अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 60 मिनट के बाद ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, तो इसीलिए जब आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो उसी टाइम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए और आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ओपन करके भी देख सकते हो आपका फ़ोटो कैसे बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। तो इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। मान लीजिए मैं पिक्सेल लैब पर कोई भी थंबनेल बनाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे 3-डॉट मेनू पर, इसके बाद इमेज साइज, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब थंबनेल, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो जब हम लोग फ़ोटो को ऐड करेंगे तो प्लस आइकन पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी करके ये जो फ़ोटो है इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसको लगाने के बाद हम लोग इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ आप कहीं भी एक फ़ोटो निकाल मतलब कैप्चर कीजिए, उसके बाद सिर्फ एक मिनट के अंदर यहाँ पे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। मान लीजिए इसको मैं एक वाइट कलर में स्ट्रोक दूंगा तो आप लोग देखेंगे कितना अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कुछ ही मिनटों के अंदर निकाला जाता है। तो आज के लिए बाय, थैंक यू।